हेलो, वेलकम है आपका एक नए लेक्चर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। याद कीजिए अभी तक जो इस चैप्टर में सीखे थे कि चार्ज अगर कहीं मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो जो चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा था उसको हम लोग करंट से रिलेट कर रहे थे। सीखे किसी कंडक्टर में करंट कैसे पास करेगा, साथ में कुछ अपोजिशन दैट इज रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ एक करके सब पढ़े। हाँ, लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे कि अगर किसी सर्किट में, सर्किट मतलब कुछ कनेक्शन, लगातार कनेक्शन जिसमें हो सकता है बहुत सारा बैटरी हो, बहुत सारा कंडक्टर, दैट इज बहुत सारा रेसिस्टेंस हो, अगर एक क्लोज लूप में है, अगर एक क्लोज लूप में है तो उस एक क्लोज लूप में करंट कितना पास करेगा, कैसे रिलेट करेंगे वो सीखे थे। इसमें ये भी सीखे थे कि अगर लूप अगर एक से ज्यादा हो तो ओम्स लॉ से करंट निकालने के बजाय रिलेटिव पोटेंशियल वाले मेथड से अपने मन से सर्किट के किसी एक पॉइंट पे रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल जीरो कंसीडर करके किसी लूप में कितना करंट पास करेगा, एक लूप में सीखे थे, एक से ज्यादा लूप में सीखे थे। उसी में थोड़ा सा और आगे सर्किट अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो क्वेश्चन कैसे बनाए। लूप अगर एक है तो बहुत आसानी से ओम्स लॉ से निकल रहा था, लास्ट वाले वीडियो में रिलेट किए थे, एक बार थोड़ा सा देखिएगा जोड़। लूप एक है बहुत आसानी से, सिंपल ओम्स लॉ आई बराबर वी बाई आर से निकाल रहे थे। लूप एक से ज्यादा था, ओम्स लॉ नहीं रिलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों लूप में करंट अलग अलग था, कोई एक करंट होगा नहीं, रिलेटिव वाला पोटेंशियल से निकाल रहे थे। लेकिन रिलेटिव वाला पोटेंशियल तब सुटेबल था जब सर्किट में जो बहुत सारा कनेक्शन था उस कॉम्बिनेशन में अगर सेल ज्यादा हो, बैटरी ज्यादा हो, तब रेफरेंस वाला मेथड काम करता था कि एक पॉइंट पे जीरो लेके सारे पॉइंट का पोटेंशियल रिलेट करते थे और रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता था तो हम करेंट निकालते थे। अब है कि अगर बैटरी कम है, सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो उसी के लिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे बात करेंगे। तो यहां पे एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। इसके हेल्प से सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कैसा भी कनेक्शन दिया हो, अगर आपसे करंट पूछा जाए तो इस मेथड से आसानी से निकाल सकते। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ है, एक को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, एक और आगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ना है, वो आगे हम लोग बात करें। अभी किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, इसको एक और लॉ से हम लोग पुकारते हैं, विच जंक्शन लॉ है क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे अगर बहुत सारा करंट आके मिल रहा हो, आके मिलने में हो सकता है कि कुछ करंट आ रहा हो, अब कुछ करंट बाहर जा रहा हो, बहुत सा करंट हो सकता है। किसी जंक्शन पे, किसी पॉइंट पे बहुत सारा करंट आके मिल रहा है या वहां से बाहर निकल रहा है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम कहने का मतलब अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर लीजिएगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। किसी पॉइंट पे चाहे जितना भी करंट आके मिल रहा है या जितना भी करंट बाहर निकल रहा है, सारे का अगर वेक्टर तरीके से सम कीजिएगा, अलजेब्रिक सम अगर कीजिएगा, अलजेब्रिक सम कहने का मतलब डायरेक्शन के सहित, डायरेक्शन के सहित कहने का मतलब जैसे कुछ करंट आ रहा है कुछ जा रहा है, अगर आने इनकमिंग वाले करंट को अगर पॉजिटिव कंसिडर करें तो आउटगोइंग को निगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, या इनकमिंग को निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं तो आउटगोइंग को पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ सारे करंट का जब सम कीजिएगा किसी पॉइंट पे तो सारे का सम जीरो हो, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ।
थोड़ा सा अगर इक्वेशन के टर्म में लिखने का कोशिश करें, अगर इनकमिंग वाले को पॉजिटिव कंसिडर करें तो I1 इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है, इसको भी पॉजिटिव, I3 भी इनकमिंग है, इसको भी पॉजिटिव, आउटगोइंग वाले को तो फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब सारे का सम तो फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, फ्रॉम किरचॉफ्स करेंट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। जंक्शन मतलब किसी पॉइंट, कुछ आ रहा होगा कुछ जा रहा होगा, सारे का सम जीरो है। थोड़ा सा अरेंज लिख कीजिएगा तो I1 पॉजिटिव वाले सारे को एक साइड और नेगेटिव वाले को सारे को एक साइड लिखिएगा। यहां से एक और रिलेट कर सकते हैं कि जो टोटल इनकमिंग करंट होगा इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना करंट किसी पॉइंट पे आ रहा है उतना ही करंट बाहर निकल रहा है। इसको चाहे तो आप प्रैक्टिकली समझ भी सकते हैं कि करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, कुछ चार्ज आ रहा है और जितना चार्ज आ रहा है वो सब जाके बाहर भी निकल रहा होगा, जाके डिपॉजिट नहीं रहा होगा। टोटल चार्ज कंजर्व होने में जितना करंट आ रहा है सबका सब बाहर निकल रहा होगा, दैट इज जितना करंट आ रहा है सबका सब उस जंक्शन से बाहर निकल रहा होगा, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे है कि किसी पॉइंट पे बहुत सारा चार्ज आ रहा है, बहुत सारा करंट आ रहा है, वो आके डिपॉजिट नहीं होगा, वो कहीं बाहर निकल रहा होगा। विच जितना चार्ज आ रहा है उतना बाहर निकलेगा, जितना करंट आ रहा है उतना बाहर निकलेगा। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलजेब्रिक साइन कन्वेंशन के हिसाब से, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, एक दो एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश करते हैं पहले इस लॉ को, तो आगे हम लोग दूसरा लॉ जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो आगे हम लोग बात करेंगे। पहले इसी को एक दो एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। इसको नोट कीजिए, तो अभी सीखे किरचॉफ्स करंट लॉ कि किसी पॉइंट पे चाहे जितना वायर कनेक्टेड हो, चाहे कुछ में करंट आ रहा है या कुछ में जा रहा है, रूल सिंपल सा था कि किसी भी पॉइंट पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट बात करेंगे दैट इज उसका वैल्यू जीरो होगा। कहने का मतलब यह था कि किसी पॉइंट पे जितना भी करंट आ रहा है इनकमिंग में उतना ही आउटगोइंग में होगा। ये तो थ्योरेटिकली था, थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकली उसको अगर समझने का अगर बात करें, जैसे कि एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, कुछ वायर कनेक्टेड है, कुछ जगह करंट दिखाया हुआ है और जिसमें से दो करंट अननोन, कि इस वाले वायर में I1 वाले करंट का वैल्यू कितना और इस वाले वायर में I2 वाले करंट का वैल्यू कितना, दो करंट निकालना, दैट इज दो अननोन है। सॉल्व करने के लिए हमको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, और अगर किरचॉफ्स करंट लॉ से सॉल्व करना है तो आप केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ फ्रॉम केसीएल आप लिख सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे अगर बात कीजिएगा तो टोटल अलजेब्रिक सम का वैल्यू कितना, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट का वैल्यू कितना, जीरो। दो अननोन दिख रहा है, दो इक्वेशन चाहिए करंट लॉ से इक्वेशन लिखने के लिए, आपको दो जंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। यहां पे एक जंक्शन दिख रहा है, एक जंक्शन यहां पे दिख रहा है, अगर इस जंक्शन को अगर ए कंसिडर करें और इस वाले जंक्शन को ए, तो फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन ए क्या लिख सकते हैं, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग, इनकमिंग कितना, तो इनकमिंग वाले को अगर इस तरह से अगर लिखें तो टू आ रहा है और ये दोनों बाहर जा रहा है, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग में टू बराबर फोर प्लस आई वन, एक ही आ रहा है और दो बाहर जाता हुआ दिख रहा है। टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग में यहां पे लिख सकते हैं
इस एक इक्वेशन से जो एक अननोन दिख रहा है, इस आई वन का वैल्यू 4 इधर आएगा, तो जो आंसर आ रहा है माइनस में आ रहा है। माइनस में मतलब कि आप कीजिए, लास्ट वाले लेक्चर में भी कंसीडर किए थे कि अगर किसी वायर में करंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि जो आप डायरेक्शन सोच रहे हो वही, और अगर किसी केस में डायरेक्शन इधर सोच रहे हैं लेकिन वो करंट निगेटिव है तो गवर्ड नहीं है, बस खाली डायरेक्शन आपको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे इस वाले वायर में दिखा के इधर पूछा था किस डायरेक्शन में कितना पास करेगा, आ गया -2 एम्पियर। -2 एम्पियर का मतलब कि करंट इस डायरेक्शन में जाने के बजाय करंट उसके ठीक अपोजिट इधर जाएगा, कितना जाएगा 2 एम्पियर। लेकिन आपको इधर दिखा के पूछा है तो इसका आंसर हमको इतना ही लिखना पड़ेगा, +2 एम्पियर नहीं। हाँ, समझने के लिए है कि करंट इधर पास करने के बजाय पास इधर करेगा, 2 एम्पियर पास करेगा, लेकिन दिखाया इधर था -2 में आंसर आ रहा है, तो आंसर हमको इतना ही लिखना पड़ेगा। I1 तो निकल गया, एक और अननोन I2 है जो हमसे पूछा जा रहा है। सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए, किरचॉफ्स करंट लॉ से सोल्व करने के लिए एक और जंक्शन विच एड, अगर जंक्शन अगर उस B पे कंसिडर कर, उस B वाले जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है तो आ रहा था 4, अब बाकी सब जाता हुआ ही दिख रहा है, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग में 6+2+ आई टू, ये 8 इधर जाएगा, दैट इज आई टू बराबर -4 एम्पियर। -4 एम्पियर का मतलब पूछ नहीं, जो करंट इधर दिखाया है 4 एम्पियर, करंट उधर पास करने के बजाय इस डायरेक्शन में पास करेगा, 4 एम्पियर पास करेगा, लेकिन दिखाया इधर है तो आंसर हमको इतना ही लिखना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ सेगमेंट में करंट पता है और कुछ सेगमेंट में नहीं पता है तो उस करंट का वैल्यू कितना होगा, अब चाहे तो किरचॉफ्स करंट लॉ से इस तरह से निकाल सकते। जैसे एक और एग्जांपल अगर बात करें, ये जेई मेन में पूछा है, बोल रहा कुछ वायर दिया हुआ है, अलग अलग वायर में कुछ करंट मेंशन, उस कुछ करंट में कुछ करंट दिया हुआ है, आई वन दिया है, आई फोर दिया है और आई फाइव, तीन करंट दिया है, तीन वायर में करंट दिया और तीन वायर में मेरे को करंट पूछ रहा है। सिंपली कुछ वायर में करंट दिया है, कुछ वायर में करंट निकालना है, आप किरचॉफ्स करंट लॉ से इक्वेशन लिख सकते फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट किसी भी जंक्शन पे जब आप बात कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 है, यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं, एक एक करके रीरीड कीजिए। देखिए थोड़ा सा आई वन मेरे को दिया हुआ है और आई फोर दिया हुआ है, आई वन दिया है, आई फोर दिया है और आई टू मेरे को चाहिए, तो ये जंक्शन सोच सकते, इस जंक्शन पे कुछ करंट आ रहा है और कुछ जा रहा है, अगर एट जंक्शन अगर ए कंसीडर करें, एट उस ए वाले जंक्शन, तो जितना करंट आ रहा था कौन कौन सा आ रहा था, तो इस जंक्शन पे बात कीजिएगा तो आई वन आ रहा है, आई टू आ रहा है और आई फोर बाहर जा रहा है, जिसमें हमको I1 पता है, I4 पता है और I2 पूछ रहा है, तो यहां से हटा के निकाल सकते हैं, I2 बराबर इधर आके I4 माइनस I1, I4 वाले करंट का वैल्यू 0.8 दिया और I1 वाला का वैल्यू कितना दिया माइनस, थोड़ा देर पहले सीखे थे कि माइनस का मतलब कुछ होता नहीं है, डायरेक्शन उल्टा, लेकिन इक्वेशन जब लिखे थे तो इस तरह से मान के लिखे थे, तो वैल्यू सीधा बैठाना पड़ेगा, दोनों ऐड होके 1.1 एम्पियर। I1, I2, I4 ये तीनों मेरे को पता हो गया, दो दिया हुआ था एक नहीं मालूम। उसी तरह से अगर इधर सोचा जाए
जब तक बीच में कोई कनेक्शन नहीं जुटे है, कोई कनेक्शन एक्स्ट्रा नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना करंट यहां से आ रहा है उतना ही जाएगा। एट अगर जंक्शन बी पे स्विच आ जाए, एट जंक्शन बी पे सोचा जाए तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन बोल सकते आई फाइव बराबर आई सिक्स, जितना आ रहा है उतना जाएगा। जिसमें से आई फाइव मैंने को दे दिया और आई सिक्स पूछ रहा है, तो इसमें कुछ करना ही है, सीधा बैठा देना। आई फाइव मिल गया, आई सिक्स मिल गया, आई वन मिल गया, आई टू मिल गया, आई फोर मिल गया, बस खाली एक बचा है आई थ्री। आई थ्री मन करे तो यहां से सोच सकते हैं, मन करे तो यहां से सोच सकते हैं, इस जंक्शन पे जितना आ रहा होगा उतना जाएगा। मन करे तो यहां से सोचिए, नहीं तो यहां से सोच सकते हैं। एट जंक्शन सी उस जंक्शन सी पे कंसीडर कीजिएगा, जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा होगा। कितना आ रहा है वहां पे आप देख सकते हैं, आई सिक्स आ रहा है, आई थ्री भी उसी जंक्शन पे आ रहा है और आई टू वहां से बाहर निकल रहा है। आई टू नहीं, आई वन भी वहीं से बाहर निकल रहा है। टोटल इनकमिंग दो था और टोटल आउटगोइंग दो था, जिसमें से हमको आई टू निकाल चुके हैं, आई सिक्स निकाल चुके हैं, आई थ्री निकालना है। इस आई थ्री का वैल्यू इसको इधर लेके आइएगा तो आई टू प्लस आई वन माइनस विच आई सिक्स। आई टू का वैल्यू अगर बात कीजिएगा, आई टू कहां गई, आई टू शुरू में ही निकाले थे 1.1 एम्पियर। आई वन कितना था, तो आई वन हमको दिया हुआ था -0.3 एम्पियर और I6 कितना, तो I6 निकाले हुए थे 0.4 एम्पियर। सब मिला के अगर रिलेट कीजिएगा तो इस I3 का वैल्यू कितना आएगा, तो देख सकते 0.7 घटाएंगे 1.1 में तो 0.4 एम्पियर। ये I1 I6 था, ये I2 था, जैसा पूछा नहीं है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर सिर्फ करंट से रिलेटेड सिंपल दिख रहा है कि कुछ जगह पता है और कुछ जगह अननोन है, तो इस तरह से इक्वेशन लिख के निकाल सकते। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग सीखे कि अगर कुछ वायर एक पॉइंट पे अगर कनेक्टेड है, कुछ सेगमेंट में करंट पता है, दूसरे सेगमेंट में कितना करंट है वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीख रहे थे। एक्चुअली हम लोग सीखना इसलिए चाह रहे थे कि अगर एक लगातार लूप में अगर कोई वायर कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, लगातार एक ही लूप है, करंट हर जगह सेम था, तो हम चला आसानी से निकाल रहे थे। जब लूप एक से ज्यादा था तो रिलेटिव पोटेंशियल वाला मेथड लास्ट लेक्चर में सीखे थे, लेकिन वो सारे जगह सुटेबल नहीं था। कुछ केस में जहां पे बैटरी ज्यादा हो, एक पॉइंट पे रेफरेंस लेते थे और बाकी का पोटेंशियल निकाल के फिर रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालते थे, लेकिन वो मेथड तब सुटेबल था जब सर्किट में बैटरी ज्यादा। अगर सर्किट में बैटरी ज्यादा होने के बजाय रेसिस्टेंस ज्यादा हो, उसके क्रॉस आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, अतः आपसे अगर कोई पूछे, जैसे समझने के लिए कि एग्जांपल भी साथ साथ ले रहे कि कुछ बैटरी है और कुछ रेसिस्टेंस है, बैटरी दो है और रेसिस्टेंस ज्यादा है, अब पूछा जा रहा है कि डिफरेंट सेगमेंट में करंट कितना होगा। अगर ये सेगमेंट नहीं होता, एक ही लूप होता, इस एक लूप में एक ही करंट होता, ओम्स लॉ से बहुत आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन लूप एक से ज्यादा है, इसमें कुछ और करंट, इसमें कुछ और करंट, कितना करंट होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। आप चाहें तो एक लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
जिसको शॉर्ट फॉर्म में केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल या लूप लॉ बोलते हैं। इसके हेल्प से सर्किट चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, लूप चाहे जितना भी हो, अगर डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट वायर में करंट पूछा जाए तो इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आसानी से निकाल सकते है क्या? रिलेट कैसे होगा सारा एक करके बात करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप, क्लोज लूप मतलब, क्लोज लूप का मतलब कि जहां से कनेक्शन या कहीं से जो स्टार्ट किए हैं, चाहे रास्ते में जितना भी बैटरी है, चाहे जितना भी रेसिस्टेंस आए, कनेक्शन चाहे जैसा भी हो, जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, घूम फिर के वापस अगर उसी क्लोज पाथ पे वापस आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं किसी क्लोज पाथ से घूमते हुए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि किसी भी क्लोज लूप जहां से स्टार्ट के घूम फिर के वापस वहीं पे आना है, किसी भी क्लोज लूप में एक करके वोल्टेज जोड़िएगा, द अल्जेब्रिक सम ऑफ एक करके वोल्टेज जोड़िएगा, एक करके अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, अल्जेब्रिक सम का मतलब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। आगे बढ़ने में अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, अगर वोल्टेज घट रहा है तो निगेटिव, अगर एक करके किसी भी क्लोज पाथ में अगर वोल्टेज जोड़िएगा तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी क्लोज लूप में कितना होगा, विच जीरो होगा। वोल्टेज का सम, वोल्टेज का डिफिनीशन याद है, वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल का डिफिनीशन था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने में जितना वर्क डन, वर्क डन का मतलब एनर्जी, एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, जो एनर्जी में चेंजेस का बात था, दैट इज उसी को वोल्टेज बोल रहे थे, मतलब वोल्टेज जो कि वर्क डन या एनर्जी को रिलेट कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक करके वोल्टेज जोड़िएगा, वर्क डन जोड़िएगा, एनर्जी जोड़िएगा, किसी भी क्लोज लूप में जोड़िएगा तो सारे का सब कितना होगा, जीरो होगा। याद कीजिए वोल्टेज वर्क डन को रिलेट करता है, एनर्जी को रिलेट करता है, और एनर्जी याद कीजिए टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी कंजर्व होने में अगर रास्ते में एक करके अगर आगे बढ़ रहा है, अगर कुछ जगह एनर्जी बढ़ रहा है, रास्ते में कुछ जगह एनर्जी घट रहा है, जहां से स्टार्ट किए हैं घूम फिर के वापस अगर वहीं पे आ जाए तो सारे का एनर्जी, सारे का वर्क डन, सारे का जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व। रास्ते में जितना बढ़ रहा है वो वापस आते आते उस जगह पे खत्म हो जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि कुछ लेके ना आए थे और कुछ ना लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली ही जाना है। जन्म समय कुछ नहीं था हाथ में, अब मरने समय भी कुछ नहीं हाथ में आपका होगा। बिल्कुल उसी तरह से यहां पे कि जहां से स्टार्ट किए बोलते हैं रास्ते में जितना बढ़ना है, जितना घटना है, घूम फिर के वापस अगर एक क्लोज पाथ पे आ जाए तो सारे का वोल्टेज का सम, सारे का वर्क डन का सम, सारे का एनर्जी का सम कितना होगा, विच जीरो होगा। और वही किरचॉफ लॉ डिलीट करता। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, रास्ते में जितना भी एनर्जी बढ़ा है वो लास्ट में आता है सब खत्म ही होना है। अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज वर्क डन एनर्जी किसी भी क्लोज लूप में कितना होगा, विच जीरो होगा। इस एक इक्वेशन से सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे जितना भी रेसिस्टेंस, जितना भी बैटरी, ऐसा ऐसा जितना भी लूप कनेक्टेड हो, सारे के क्रॉस करंट कितना होगा, बहुत आसानी से इस मेथड से रिलेट कर सकते। कैसे रिलेट होगा, साथ साथ एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। जैसे देखिए जेईई मेन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुछ बैटरी कुछ रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, पूछ रहा है इस पीक्यू वाले सेगमेंट में करंट कितना है। हाँ, और भी जरूरत पड़े तो और भी जगह निकाल सकता है। इस मेथड से करंट निकालने में करते क्या है कि पहले करंट मान लेते हैं, जो अननोन है हमको निकालना है, निकालने के लिए पहले उसको कुछ मान लेते हैं।
याद कीजिए लास्ट लेक्चर में भी सीखे थे कि बहुत सारा बैटरी हो तो करंट किधर भी जा सकता है, आपको पता नहीं है, वो निकालने के बाद पता चलेगा, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मान लेते हैं कि सर्किट में जो सबसे ज्यादा वोल्टेज का बैटरी है उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। जैसे यहां पे एक 6 वोल्ट का बैटरी है, एक 9 वोल्ट का बैटरी, पता नहीं इसका इफेक्ट ज्यादा होगा किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस बड़े वाले बैटरी का इफेक्ट ज्यादा कंसीडर कर सकते हैं। ये एक अगर सोर्स की तरह से काम करेगा, अगर इसका इफेक्ट ज्यादा है, अगर इसके कारण करंट पास कर रहा है तो किसी भी बैटरी से जो करंट होता है, बैटरी से बाहर हायर से लोअर, अब बैटरी के अंदर लोअर से हायर, अपने मन से करंट मान लीजिए, निकालना है, निकालने के लिए अपने मन से करंट मान लीजिए, मान लेते हैं यहां से करंट आई निकल रहा है, एक जगह नहीं सारी जगह मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे देखते थोड़ा सा, यहां पे अगर आई माने हैं तो लगातार जब तक वायर सेम है करंट डिवाइड तब होगा जब कहीं बीच में कहीं कनेक्शन होगा, बीच में कनेक्शन ही लगातार वायर एक ही तरह से आगे बढ़ रहा है तो हर जगह करंट सेम होगा। अगर यहां करंट आई मान रहे हैं जब तक लगातार एक ही वायर है, रास्ते में जितना भी रेसिस्टेंस आ जाए, जितना भी बैटरी आ जाए, जिसका जितना इफेक्ट आना है वो एक साथ आएगा। ऐसा नहीं कि बैटरी रास्ते में आ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा तो करंट घट जाएगा। किसी भी कनेक्शन में जो इफेक्ट आना है, बैटरी हो रेसिस्टेंस हो, जो इफेक्ट आना है वो एक बार में आएगा। आई पता नहीं कितना है लेकिन जितना भी होगा सब मिला के आई हो, ये नहीं कि बैटरी मिला तो बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस मिलेगा तो घट जाएगा, नहीं, जब तक लगातार एक ही वायर है, चाहे जितना बैटरी जितना रेसिस्टेंस चाहे जितना भी इफेक्ट आना है वो सारा एक साथ आएगा, हर जगह करंट सेम होगा जब तक वायर लगातार एक ही है। यहां से आई माने थे जब तक टांग बीच में, जब तक कनेक्शन ना आए हर जगह करंट सेम होगा। यहां से आगे बढ़ने में दो रास्ते हैं, इसमें इसमें करंट सेम के अलग अलग तो आ रहा है, अगर ये रास्ता और ये रास्ता एक ही जैसा हुआ तो करंट सेम, अगर रास्ता अलग अलग है तो करंट अलग अलग। यहां पे आ ही रहा था, इधर जाने का एक रास्ता, इधर जाने का एक रास्ता, क्या ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सेम दिख रहा है तो नहीं, इधर बैटरी कुछ और रेसिस्टेंस है, यहां पे खाली रेसिस्टेंस, रास्ता अलग अलग होने के कारण दोनों तरफ अलग अलग जाएगा। मान लेते हैं कि इधर अगर आई वन गया तो आया था आई, इधर अगर आई वन गया है तो इधर कितना जाएगा, तो इससे पहले वाला किच ऑफ करेंट लो, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल और भाई आई रहा था, इधर आई वन मान रहे हैं तो बाकी बचा खुचा वाला इधर से बाहर निकले। जब तक नहीं कुछ वायर, जब तक वायर नहीं कनेक्शन अलग से मिले, लगातार एक ही वायर हो, करंट हर जगह सेम होगा। रास्ते में बैटरी आ जाए, रेसिस्टेंस आ जाए, न बढ़ेगा ना घटेगा, जो इफेक्ट इसका आना है वो लूप में एक साथ आएगा। आया इधर से आई, इधर आई वन गया, जब तक वायर लगातार एक ही है वही करंट रहेगा, बाकी बचा वाला इधर आ रहा था, इधर से आई माइनस आई वन, इधर से आई वन, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउट गए में, यहां पे आप देख सकते हैं आई वन कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा। जब तक वायर वही है करंट सेम हो। सबसे पहले इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाले मेथड से निकालने के लिए करंट मान लेते हैं। कभी कभी देखिएगा बुक में ये क्वेश्चन आपको करंट मेंशन रहेगा कि इसको आई वन लेना है, इसको आई टू लेना है, तो जो मेंशन कर दिया उसको वही कंसीडर करेंगे, नहीं मेंशन किया है तो अपने मन से करंट मानेंगे। इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही कहलाएगा जब जिस बैटरी से आप सोचना स्टार्ट किए हैं जितना करंट वहां से बाहर निकल रहा है घूमते हुए वापस उतना ही इन कर रहा चाहिए, तभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही कहलाएगा।
क्योंकि इस वायर में बीच में बैटरी आने से बढ़ेगा नहीं, जितना जा रहा था उतना ही वापस आएगा। तो एक करके डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने में सही डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए हैं, सही माने हैं कि गलत माने हैं, उसका सीखने का तरीका यही है, चेक करने का तरीका यही है कि जितना यहां से बाहर निकाल रहे उतना ही इन करना चाहिए। इस मेथड से निकालने में सबसे पहले करंट मानना पड़ेगा, इस तरह से मानेंगे जिसमें दिख रहा है कि आई अननोन और एक आई वन अननोन, दो अननोन। सोल्व करने के लिए हमको कम से कम कितना इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दो इक्वेशन। सारे जगह करंट अननोन है, किरचॉफ्स करंट लॉ नहीं लगेगा, कुछ जगह अननोन और कुछ जगह नोन रहता तब जाके किरचॉफ्स करंट लॉ। सारे जगह करंट अननोन है, किरचॉफ्स करंट लॉ के बजाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, लूप लॉ से एक एक करके वोल्टेज का सम जीरो करके आप चाहे तो करंट आसानी से निकाल सकते। दो अननोन दिख रहा है, सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इक्वेशन कहां पे लिखाता है, एक लूप में, लूप मतलब एक क्लोज पाथ। ऐसा ऐसा दो अननोन था, दो इक्वेशन लिखने के लिए हमको दो लूप सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक लूप ये वाला है, एक लूप ये वाला है। ऐसा ऐसा एक नहीं, ऐसा ऐसा दो क्लोज लूप लेंगे, एक यहां से एक इक्वेशन मिलेगा, यहां से एक इक्वेशन मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा, दो अननोन आई वन आई वन है। आप सोल्व कर सकते हैं, सारे जगह करंट निकाल सकते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज किसी भी क्लोज लूप में जीरो होगा। हमको दो अननोन दिख रहा है, दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर इस ए वाले लूप में अगर कंसिडर कर तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक करके वोल्टेज जोड़ेंगे तो सारे का सम कितना आएगा, जीरो। कौन सा लूप, इस क्लोज लूप में एक करके वोल्टेज जोड़ेंगे, जोड़ने में अलजेब्रिक सम था। अलजेब्रिक सम का मतलब आगे बढ़ने में अगर वोल्टेज बढ़ा तो प्लस, अगर घटा तो माइनस। कहां से स्टार्ट करेंगे तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते, बस रूल ये है कि जहां से भी स्टार्ट हुई है एक करके घूम के वहीं वापस। मन करे तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, मन करे तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, घूम के वापस आपको वहीं पर। अगर स्टार्ट यहां से करें, इस तरह से अगर एरो के हिसाब से अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने में अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस, अब घट रहा है तो माइनस। अब है कि वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा ये कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दीजिए सर, बैटरी में आपको वोल्टेज पता होता है कि कौन हाई और कौन सा लो। अगर इधर से आगे बढ़ रहे तो पहले प्लस में थे और आगे बढ़े तो माइनस, मतलब वोल्टेज घट गया, और घट गया तो वोल्टेज माइनस। कितना, तो बैटरी का जितना वोल्टेज रहेगा, जितना ईएमएफ रहेगा वही उसके पास वोल्टेज होगा। इधर से आगे बढ़ेंगे प्लस से माइनस में घट रहा था, इधर से अगर आगे बढ़ेंगे तो पहले माइनस में थे, आगे बढ़ा था वोल्टेज बढ़ गया तो प्लस। कितना, जितना वोल्टेज रहेगा ईएमएफ रहेगा प्लस। बैटरी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्योंकि पहले से पता है कि कौन हाईर कौन सा लोअर। रेसिस्टेंस में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन से बचने का तरीका यह है कि उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पहले ही दिखा लीजिए कि ये वाला प्लस कि ये वाला प्लस। बैटरी में करंट लोअर से हाईर पास करता है, लेकिन ध्यान दिए थोड़ा सा, बैटरी से बाहर करंट हाइयर से लोअर पास करता है। अगर किसी रेसिस्टेंस में करंट अगर ऐसा दिखाया है, इसका मतलब यह है कि करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब हाइयर से लोअर इस तरफ जा रहा है। बैटरी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन हाइयर कौन लोअर, आगे बढ़ने में बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस।
रेसिस्टेंस के क्रॉस पहले ही आपको दिखाना पड़ेगा कौन हाइयर कौन सा लोअर। रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट पास करता है हाइयर से लोअर। बैटरी से बाहर कहीं भी करंट जो पास करता है वो हाइयर से लोअर। अगर इस रेसिस्टेंस में करंट इधर माने हैं इसका मतलब ये वाला हाइयर है ये वाला लोअर। बैटरी में आपको पहले से पता है कि कौन हाइयर कौन सा लोअर। रेसिस्टेंस में थोड़ा पहले दिखा लीजिए, इक्वेशन लिखने में आपको झंझट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इस रेसिस्टेंस में करंट आगे माने हैं इसका मतलब ये हाइयर माने हैं ये लोअर माने हैं। रेसिस्टेंस में करंट इधर माने हैं मतलब ये हाइयर माने हैं और ये लोअर माने हैं। इस रेसिस्टेंस में करंट नीचे माने हैं मतलब ये हाइयर माने हैं और नीचे वाला लोअर माने हैं। थोड़ा सा रेसिस्टेंस के क्रॉस दिखा लीजिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक करके वोल्टेज का सम किसी भी लूप में जीरो है, पहले लूप में इक्वेशन लिखना चाहते हैं, अगर स्टार्ट यहां से करें, एक करके इस तरह से घूमना चाह रहे हैं, इस क्लोज पाथ पे घूमना चाह रहे हैं, स्टार्ट यहां से, स्टार्ट यहां से किए, प्लस में है कि माइनस में है, तो है प्लस में, और आगे बढ़ने के बाद माइनस में जा रहा है कि प्लस में जा रहा है, तो थे प्लस में जा रहा है माइनस में, थे प्लस में जा रहे हैं माइनस में, मतलब आगे बढ़ने के बाद वोल्टेज घट रहा है। वोल्टेज आगे बढ़ने से बढ़ेगा तो प्लस, आगे बढ़ने से वोल्टेज घटेगा तो एक करके बढ़ना है, अलजेब्रिक सम बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस। स्टार्ट यहां से करें, आगे बढ़ने में घट रहा माइनस, रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज होता है आई इंटू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज, करंट नहीं मालूम, रेसिस्टेंस पता है, यही तो मेरे को करंट चाहिए, उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, जो अननोन है वो सॉल्व हो। स्टार्ट यहां से किए थे, आगे बढ़े, जब तक बीच में कुछ नहीं आए वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, चेंज करेगा, मिला है चेंज करेगा, सेम रहेगा, आगे बढ़ेंगे, लूप में घूमना है, यहां से यहां तक आए, बीच में कुछ नहीं है तो वोल्टेज नहीं चेंज करेगा। स्टार्ट यहां से करें तो आगे बढ़ने में तभी माइनस में है, आगे बढ़ने में प्लस में जा रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़े, प्लस से माइनस में गया तो वोल्टेज घट गया, आगे बढ़ने में वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस, कितना तो रेसिस्टेंस के पास वोल्टेज होता आई इंटू आर, करंट आई माइनस आई वन, रेसिस्टेंस तो वन। यहां से यहां बढ़े एक जगह वोल्टेज मिला, यहां से यहां बढ़े एक जगह वोल्टेज मिला, यहां से यहां आना है, आगे बढ़ने में बैटरी है, ये लोअर ये हाइयर, आगे बढ़ने में माइनस से प्लस इधर जा रहा है, माइनस से प्लस मतलब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है तो 6 वोल्ट, यहां पे पता, रास्ते में कुछ नहीं आएगा वोल्टेज नहीं चेंज करेगा, यहां से स्टार्ट किए थे, घूमते हुए तीन बार वोल्टेज चेंज हुआ, बस जितना बढ़ा जितना घटा सारे का सम। थोड़ा सा इसको जब अरेंज कीजिएगा, आई एक ही जगह पे है, 3i1 - i1 4i1 बराबर -6, एक इक्वेशन अननोन दो है सॉल्व करने के लिए, एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन के लिए एक और लूप सोचना पड़ेगा, जो पहले ही हम सोचे हुए हैं कि एक लूप ये लेंगे और एक लूप ये लेंगे। स्टार्ट कहीं से भी हो सकते हैं, अगर स्टार्ट यहां से हो आगे बढ़ेंगे एक करके बढ़ने में रेसिस्टेंस के क्रॉस प्लस से माइनस, पहले प्लस में थे अभी माइनस में गए हैं, मतलब आगे बढ़ने से वोल्टेज घट रहा है, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होता है I इंटू आर में, ठीक है, आगे बढ़ने में चेंज हुआ और आगे बढ़े, बीच में नहीं चेंज हो रहा है, यहां पे बढ़े, पहले माइनस में थे और आगे बढ़ने के बाद प्लस में गए, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, यहां से बढ़े यहां तक बढ़े, लेकिन हमको यहां तक आना है, घूमना पड़ेगा,
और आगे बढ़े तो प्लस से माइनस, पहले प्लस में थे आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से घटेगा माइनस। रेसिस्टेंस के प्रश्न होता है आई इंटू आर में टू इंटू आई, इधर जा रहे हैं घूम फिर के यहां आना है, आगे बढ़ेंगे प्लस से माइनस, पहले ही दिखा लिए, आगे बढ़ेंगे प्लस से माइनस, फिर प्लस में बढ़ माइनस में रहे हैं, वोल्टेज घटेगा आई इंटू रेसिस्टेंस वन, सारे का सम जीरो, थोड़ा सा रेंज के थ्री आई टू आई आई माइनस सिक्स आई माइनस माइनस प्लस आई वन, इसको उधर लेके जाइएगा माइनस नाइन। आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन, आई और आई वन का वैल्यू रिलेट कर सकते हैं, और अगर ये आई और आई वन रिलेट हो गया तो अगर हमसे पीक्यू में पूछा तो भी निकलेगा, अरेंज कर सकते हैं। इसमें फोर से मल्टीप्लाई या इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिक्स इंटू फ्रॉम, अगर इस इक्वेशन में छह से मल्टीप्लाई कीजिएगा सिक्स इंटू इक्वेशन में, तो ये सिक्स आई होगा प्लस में होगा, और इसको अगर जोड़ दे इक्वेशन टू को तो माइनस छह आई कट जाए, सिक्स से मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस ट्वेंटी फोर आई वन, इसको जोड़े थे आई वन, सिक्स से मल्टीप्लाई किए थे माइनस थर्टी सिक्स, अब माइनस नहीं इज इक्वल टू माइनस फोर्टी फाइव, आई वन बराबर कितना तो चौबीस एक तेईस आ जाएगा, माइनस माइनस फट जाएगा, फोर्टी फाइव बाई ट्वेंटी थ्री एम्पीयर, आई वन पता चल गया, आई निकल जाएगा, इस पी क्यू वाले में पूछा था निकाल सकते आई माइनस आई वन, हाँ हमसे खाली इतना ही रहता कि पी क्यू में निकाले तो कुछ नहीं करते, इधर आई वन मानते तो इधर आई माइनस आई वन रहता है, हमको खाली आई वन निकालना तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं होता, वो तो अभी सीख रहे हैं इसलिए अपने तरीके से कुछ भी मान लिया, एग्जाम में आई वन इधर मानेंगे इधर आई माइनस आई वन मानेंगे, हमसे खाली इसमें पूछा था एक अननोन सोल्व करते बाकी छोड़ देते, तो जैसा पूछा जाए उस तरह से लिख सकते हैं निकाल सकते हैं, इसको पहले नोट कीजिए, एक दो एग्जाम्पल और सीखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा, पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। तो हम लोग सीख रहे हैं कि लूप एक हो एक से ज्यादा हो, सर्किट चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से डिफरेंट सेगमेंट में करंट कितना पास करेगा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल सीखे, एक दो एग्जांपल अगर और बात करें, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, ये जेई मेन में पूछा हुआ है, कुछ बैटरी दिया है और कुछ रेसिस्टेंस दिया है, डिफरेंट सेगमेंट में करंट पूछा जा रहा है, लूप एक होता तो ओम्सला से निकाल लेते हैं, एक से ज्यादा है किरचॉफ्सला से निकालना पड़ेगा क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, किरचॉफ्सला से निकालने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से निकालने के लिए सबसे पहले हमको करंट मानना पड़ता था, करंट अगर दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट नहीं दिखाया है तो अपने मन से आपको मानना पड़ेगा, सबसे पहले यह मान के आप चल सकते हैं कि सर्किट में बड़े वाले बैटरी का इफेक्ट ज्यादा हो, हाँ मानने के बाद सोल्व किया, सोल्व करने के बाद निगेटिव हो जाए कुछ नहीं, करंट का डायरेक्शन खाली उल्टा कर लीजिएगा, आंसर वही है, सबसे पहले करंट हमको मानना पड़ेगा, बड़े वाले बैटरी का इफेक्ट बड़ा मान के करंट सोचना शुरू करेंगे, जैसे यहां पे 5 वोल्ट बैटरी है यहां पे 2 वोल्ट है, अगर 5 वोल्ट का इफेक्ट अगर ज्यादा कंसीडर करें तो इस बैटरी के कारण करंट पूरे लूप में इस तरह से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूं, जब तक रास्ते में कोई टांग ना अड़ाए वायर लगातार एक ही हो करंट सेम होगा, लेकिन यहां से दिख रहा है कि दो रास्ता है, दो रास्ता है, दोनों रास्ते में अलग अलग करंट जाएगा, मान लेते हैं इस रास्ते में अगर आई वन गया तो बाकी वाला इस रास्ते, हर जगह पहले करंट हमको मानना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तो वो अननोन जो माने हैं उसका वैल्यू कितना है
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। जब तक वायर सेम है करंट सेम होगा, वायर टूट रहा है इधर कुछ और इधर कुछ और, जब तक लगातार वायर एक ही है करंट एक ही है। इधर से आया I1, इधर से आया I माइनस I1, इधर जोड़कर देख सकते। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो जितना किसी बैटरी से आप बाहर निकाले हैं उतना ही वो करंट इन करना चाहिए, तभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। अगर इसी में कोई और कनेक्शन रहता तो यहां से हमको एक और अननोन विच I2 बढ़ जाता। जितना लूप जुटेगा अननोन उतना बढ़ते चला जाएगा, सॉल्व करने में उतना दिक्कत होगा। एग्जाम में टाइम कम रहता है, तीन इक्वेशन, दो तक तो सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, तीन इक्वेशन लिखना, तीन अननोन लिखना, सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत होता है। जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सर पूछ नहीं सकता है, तो पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली आज तक कभी पूछा नहीं। हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज कैसे करते हैं, अलग अलग कंडीशन में इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन लिखने के लिए आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में लिखने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हाँ, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो तरीका वही रहेगा। अभी दो लूप सोच रहे हैं तो अननोन आई वन था, एक लूप और रहता तो एक अननोन बढ़ता, एक इक्वेशन और लिखना पड़ता, तीन इक्वेशन लिखना पड़ता। अभी थोड़ा सिंपल है जो पूछा है जेई मेन, आईआईटी एडवांस में भी आज तक नहीं पूछा है लेंदी वाले। इस तरफ देख रहे हैं दो अननोन I और I1, सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज किसी भी लूप में जीरो होता है, आपको दो अननोन है दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, दो लूप ले सकते हैं। इन लूप ए, इन लूप बी, दो अननोन है दो इक्वेशन लिखना चाहिए, दो लूप ले लें। अगर ये वाला लूप लेते हैं तो एक का करके वोल्टेज बढ़िएगा, अलजेब्रिक सम जीरो है, अलजेब्रिक सम जीरो का मतलब आगे बढ़ने में पॉजिटिव बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, वोल्टेज घट रहा है माइनस। बैटरी के क्रॉस आपको पहले से पता होता कि कौन हाई है कौन सा लोअर, रेसिस्टेंस के क्रॉस थोड़ा पहले दिखा लीजिए, इक्वेशन लिखने में कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। रेसिस्टेंस में करंट इधर माने हैं मतलब हायर से लोअर माने, रेसिस्टेंस में करंट नीचे माने हैं मतलब ये हायर ये लोअर, करंट हायर से लोअर पास करेगा। रेसिस्टेंस में करंट इधर माना हुआ है मतलब ये हायर माना हुआ ये लोअर माना हुआ, रेसिस्टेंस के क्रॉस थोड़ा दिखा लीजिएगा तब आपको आगे बढ़ने में प्लस होगा कि माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ने का बढ़ रहा है तो प्लस, घट आगे बढ़ने में घट रहा है तो माइनस। स्टार्ट कहीं से भी हो सकते हैं, जहां से स्टार्ट कीजिए घूम फिर के वापस वहीं पे आइए। अगर लूप पहला वाला ऐसा ले, आप ऐसा भी जा सकते हैं, अगर पहला वाला लूप ऐसा ले तो यहां से स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ने में, अभी प्लस में है और आगे बढ़ रहे माइनस, घट रहे, प्लस से माइनस में जा रहे घट रहे, कितना तो रेसिस्टेंस के क्रॉस होता है आई इंटू आर। आगे बढ़ने में बैटरी है, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, बढ़ने में प्लस और घटेगा तो माइनस। यहां से स्टार्ट किए, रास्ते में कुछ नहीं वोल्टेज नहीं मिला, कुछ नहीं मिला वोल्टेज नहीं चेंज किया, रेसिस्टेंस मिला वोल्टेज चेंज करेगा, बैटरी मिला वोल्टेज चेंज करेगा, कुछ नहीं मिला नहीं चेंज करेगा, यहां तक आना है। आगे बढ़ेंगे प्लस से माइनस तो घट रहा है, आई इंटू आर एक करके वोल्टेज सम कीजिएगा जीरो, एक इक्वेशन, एक इक्वेशन एक है अननोन दो है आई और आई वन, सोल्व करने के लिए एक और इक्वेशन एक लूप और लीजिए, चलिए यहां से स्टार्ट कीजिए यहां घूम लीजिए। अगर स्टार्ट यहां से करें अगर ऊपर जाए माइनस से प्लस, माइनस से प्लस आगे जाने में बढ़ रहा है,
आगे जाने में बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस के क्रॉस होता है आई इंटू आर। जब तक नहीं मिले वोल्टेज नहीं चेंज करेगा, यहां पे चेंज करेगा, इधर कुछ नहीं चेंज करेगा, आगे बढ़ेंगे प्लस से माइनस, इधर से घूम रहा है, प्लस में है आगे बढ़ रहा है, माइनस जा रहा है घट रहा है, रेसिस्टेंस के क्रॉस आई इंटू आर, आई माइनस यहां तक आए, फिर बढ़ा, माइनस से प्लस बढ़ रहा है, एक करके घूम के बीच में कुछ नहीं आया जी, थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, माइनस आई 10i प्लस 1 11i1 प्लस 2 0, दो इक्वेशन दो अननोन सब जगह निकलेगा, सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ तो है नहीं। जेई मेन में पूछ रहा था, एक और ये आईआईटी एडवांस में पूछा, इस तरह से ये मेडिकल में भी पूछा है, जेई मेन में भी इस तरह से पूछा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिंपल है, थोड़ा सा अलग टाइप का लेकिन सिंपल है, आसानी से रिलेट हो, ये आईआईटी जेई में पूछा था। कुछ बैटरी कुछ रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, पूछ रहा है करंट इन डिफरेंट सेगमेंट कितना, लूप ज्यादा दिख रहा है, ओम्स लॉ से नहीं रिलेट होगा, किरचॉफ्स लॉ से, लेकिन किरचॉफ्स लॉ से करंट निकालने के लिए सबसे पहले मानना पड़ता था सर्किट में जो बड़ा बैटरी है उसका इफेक्ट ज्यादा सोचते रहे। सबसे बड़ा बैटरी कौन सा था, दो बैटरी में ये 10 वोल्ट ये 20 वोल्ट, इस बैटरी का इफेक्ट ज्यादा कंसिडर करेगा, इस बैटरी के कारण करंट, तो बैटरी के कारण करंट लोअर से हायर, अंदर बाहर हायर से बाहर, बैटरी से करंट आई निकला, जब तक रास्ता सेम है लगातार सेम है करंट सेम आएगा, जहां पे रास्ता डिवाइड कर रहा है वहां पे करंट चेंज करेगा, यहां से निकला आई, जब तक बीच में कोई वायर नहीं आया जुटा नहीं करंट सेम रहेगा, लेकिन यहां से अलग अलग रास्ता है करंट डिफरेंट रहेगा, उसके से अगर बात कीजिएगा तो एक करंट इधर मान सकते हैं कि इधर, अगर इधर आई मानते हैं तो इस आई का जो वैल्यू होगा इसको ऐसा करते हैं आई वन मान लेते हैं, इसको अगर आई मानिएगा तो आई का वैल्यू जीरो, जीरो कैसे तो याद कीजिए, थोड़ा सा करंट तब पास करता है जब लूप क्लोज हो, क्लोज का मतलब है कि जिस तरह से करंट जाने का एक रास्ता है वापस आने का भी एक रास्ता होना चाहिए, एक ही रास्ते से जाएगा और आएगा ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि करंट लगातार फ्लो करेगा, एक जाने का रास्ता है तो एक आने का भी होना चाहिए तभी करंट पास करेगा। देख सकते हैं कि यहां से करंट निकल रहा है, इधर आगे बढ़ेगा, इधर से अगर जाने का रास्ता सोच रहे हैं तो आने का रास्ता है ही नहीं, एक ही वायर, एक ही वायर का मतलब यह सिर्फ कनेक्टिंग वायर है लेकिन एक लूप नहीं बन रहा है, लूप बनता अगर कनेक्शन यहां पर आता तो इधर भी करंट सोचते। अभी इस वायर कनेक्टिंग दिख रहा है लेकिन क्लोज लूप का हिस्सा नहीं होने के कारण इस कनेक्टिंग वायर में कोई करंट नहीं पास करेगा, कोई करंट नहीं पास करने का मतलब इस बैटरी से जितना भी करंट निकला था सब घूम के इधर ही रह जाएगा, इधर क्लोज लूप नहीं बन रहा है, इधर नहीं पास करेगा लेकिन ये क्लोज लूप बन रहा है इस सेगमेंट में पास करेगा, इधर एक अलग क्लोज लूप बन रहा है और इधर एक अलग क्लोज लूप बन रहा है, और ये कनेक्टिंग वायर है लेकिन वो क्लोज लूप का हिस्सा नहीं होने के कारण इस कनेक्टिंग वायर में कोई करंट नहीं पास करेगा, इधर अलग करंट पास करेगा और इस बैटरी के कारण इधर अलग करंट पास करेगा, इधर चाहे कितना भी ज्यादा करंट हो, इधर चाहे कितना भी कम करंट हो, इस कनेक्टिंग वायर में कभी करंट ही नहीं पास करेगा तब तक जब तक ये क्लोज लूप का हिस्सा ना, आई तो जीरो था, आई वन कितना होगा, लूप एक ही है
लूप एक ही होने के कारण एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि I1 का वैल्यू कितना और I2 का वैल्यू कितना, एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। लूप एक है, एक ही बैटरी, एक ही रेसिस्टेंस, इस एक लूप में एक ही बैटरी और एक ही रेसिस्टेंस, बाय चांस दोनों में करंट सेम है, सेम रहता या ना रहता उससे इस कनेक्टिंग वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कनेक्टिंग वायर में कोई करंट नहीं पास करता। हां, कभी कभी इसमें एक चीज और पूछा जाता है, कभी कभी बोलेगा कि इस सेगमेंट में, अच्छा अगर यहां एक बैटरी रहता तो, है नहीं, अगर एक बैटरी रहता तो चाहे वहां पे जितना भी बैटरी हो, जितना भी रेसिस्टेंस हो, जब तक लूप का हिस्सा नहीं है करंट नहीं पास करेगा। इधर कितना भी बैटरी, कितना भी रेसिस्टेंस, कोई करंट नहीं पास करेगा तब तक जब तक कनेक्टिंग लूप नहीं बन जाए, एक क्लोज लूप नहीं बन जाए। हाँ, कभी कभी इस तरह से बोला जाएगा, किस तरह से बैटरी में रेसिस्टेंस भी है, कोई पॉइंट मेंशन कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस दो पॉइंट के बीच कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को निकालना है। एका करके वोल्टेज जोड़ रहे थे, क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब जहां से स्टार्ट किए थे घूम के वापस अगर वहीं आ रहे थे वोल्टेज का सम जीरो था। लेकिन इस केस में बोल रहा है कि किसी एक जगह से स्टार्ट के लिए और किसी लूप के, इस लूप के, इस वायर के किसी दूसरे पॉइंट के बीच हमको पहुंचना है और इस दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर क्लोज लूप के बीच पूछता तो जीरो होता, लेकिन सर्किट के दो पॉइंट के बीच है तो हमको निकालना पड़ेगा। और निकालने में तरीका फिर से वही वाला कि एका करके जहां से जहां के बीच पूछा है एका करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने में वोल्टेज बढ़ा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। जैसे हमको ए और बी के बीच पूछा है तो यहां से एका करके वहां तक जाएंगे, आगे बढ़ने में वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस, घटेगा तो माइनस। जैसे स्टार्ट अगर ए से करें तो इस ए का कुछ वोल्टेज हो, ध्यान दीजिए जब क्लोज लूप में आते हैं तो जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं तक आते हैं तो उस पॉइंट को नहीं सोचते, लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच निकालना हो तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे भी कंसिडर करें। जब क्लोज लूप में घूमते थे तो स्टार्ट काउंट नहीं करते थे, लेकिन दो पॉइंट के बीच है तो स्टार्ट काउंट करना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट अगर यहां से करें, स्टार्ट अगर यहां से करें तो इस पॉइंट का कुछ वोल्टेज होगा, आगे बढ़े, आगे बढ़ने में रेसिस्टेंस करंट हायर से लोअर, आगे बढ़ने में वोल्टेज घट रहा, कितना आई इंटू आर, आगे बढ़ने में बढ़ा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। स्टार्ट यहां से किए, यहां तक पहुंचे, जब तक रास्ते में कुछ मिलेगा तो वोल्टेज चेंज करेगा, नहीं मिलेगा तो वोल्टेज नहीं चेंज करेगा। हमको ए से बी तक जाना है, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ने में बैटरी है, प्लस से माइनस, आगे जा रहे हैं तो माइनस, प्लस से माइनस, पहले प्लस में थे आगे जा रहे हैं उधर, घट रहा है माइनस। सर इस सेगमेंट में तो करंट पास ही नहीं कर रहा है, करंट नहीं पास कर रहा है तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा, बैटरी है वोल्टेज तो हो गई है, पहले उसे करंट नहीं पास कर रहा है, बैटरी है वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, आगे बढ़ने में यहां पे माइनस 10, रेसिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट ही नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं होगा, करंट होता तो यहां भी वोल्टेज चेंज होने का बात। एका करके ए से बी तक जाने हैं, बढ़ रहा है तो प्लस, घटेगा तो माइनस, यहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हमको बी तक जाना है, एक रास्ता इधर का भी है, एक रास्ता इधर का भी है, मन करे तो इधर से भी जा सकते हैं, मन करे तो इधर से भी जा सकते हैं,
किसी रास्ते से जाइएगा, एनर्जी कंजर्व था, किसी रास्ते से जाइएगा उतना ही वोल्टेज चेंज करेगा। हमको यहां तक जाना है, इधर से जाएंगे तो आईआर से जाना पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो वोल्टेज जाना पड़ेगा। अगर इधर से ही जाए तो इधर से बढ़ने में, आगे बढ़ने में माइनस से प्लस बढ़ रहा है 20, एका करके कहां तक पहुंच गए? जब क्लोज लूप में घूमते हैं तो स्टार्ट और लास्ट नहीं काउंट करते हैं, क्लोज लूप में जीरो था वोल्टेज। लेकिन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो एका करके आगे बढ़ने में स्टार्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा, और जितना बढ़ा जितना घटा सब मिला के उस बी जहां तक पहुंचना था पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, तुमसे VA माइनस VB जो पूछा है निकाल सकते, माइनस 10 और प्लस 20 बीच में माइनस 10 और फिर प्लस 10 उधर जाके माइनस 10, माइनस से उधर जाके प्लस 5 I2। इस I2 का वैल्यू कितना था? 2 एम्पियर। उस I2 का वैल्यू 2 एम्पियर बैठाएंगे तो कितना आएगा? जीरो। बाई चांस जीरो है, अगर वो पॉइंट यहां के बजाय इधर ही रहता तो जीरो नहीं कुछ बचता, यहां तक है तो जीरो होना, बाई चांस जीरो होना डाटा, क्योंकि करंट एक्चुअली दोनों सेगमेंट में सेम आ रहा था, इसलिए दिक्कत। इसको पहले नोट कीजिए, एक क्वेश्चन इस तरह से नीट में पूछा था उसको देखते हैं, तो इस तरह वाला एक नीट में क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा ये वाला बात। इसको पहले नोट कीजिए, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो एक नीट में क्वेश्चन पूछा था कि सर्किट का एक सेगमेंट दिया हुआ था जिसमें एक बैटरी और दो रेसिस्टेंस है, एक सेगमेंट दिया है, लूप नहीं पूछ रहा है, दिया हुआ है कि सर्किट के एक सेगमेंट में करंट अगर 2 एम्पियर पास कर रहा है, इस तरह से 3 एलिमेंट है, लगातार एक ही वायर है, हर जगह सेम करंट पास कर रहा होगा, सिंपल पूछा गया था कि इस ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना, दो पॉइंट के बीच पूछा, लूप में पूछता तो जीरो होता, दो पॉइंट के बीच पूछा है तो एक करके हमको निकालना पड़ेगा। स्टार्ट ए से किया है आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने में वोल्टेज बढ़ा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। बैटरी के क्रॉस आपको पता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, रेसिस्टेंस में थोड़ा दिखा लीजिए, करंट रेसिस्टेंस में हायर से लोअर पास करता है, करंट रेसिस्टेंस में हायर से लोअर पास करता है थोड़ा दिखा लीजिए। आगे बढ़ने में अगर घट रहा है तो माइनस, आई इंटू आर 2 × 2, आगे बढ़ने में घट रहा है माइनस 3, आगे बढ़ने में घट रहा है आई 2 था, आई इंटू रेसिस्टेंस, एक करके बी तक पहुंच रहा है। अरेंज करें तो निकाल सकते हैं VA माइनस VB बराबर 4 × 3 = 7 × 2 = 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रहे इस तरह से जो अभी निकाले तो ही है, आगे इस तरह से हमको हमेशा जरूरत पड़ेगा ये वाला प्रोसेस, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कीजिए पहले।